नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह बिहार आए हुए थे और कई जगहों पर गए, नालंदा गए, कई अन्य जगहों पर बिहार के जिलों में घूमे वो और लोगों से सीधा संपर्क किया, मीडिया के तमाम सवालों का जवाब भी देते नजर आए। बीते दिन कलकत्ता गए थे, दुर्गापुर में स्टील प्लांट का भी निरीक्षण किया और आज जब वो पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे तो इस कड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर एनडीए में जो चल रहा है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हर दिन जब मीडिया पूछती है कि एनडीए में क्या कोई टूट है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, उस पर एक बार फिर आरसीपी सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सब ठीक है, एनडीए एकजुट था, एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के तो अपने अलग मत हैं, बीजेपी तो चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं, जेडीयू चाहता है, राजद चाहता है, हर एक पार्टी चाहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो, बिहार क्या देश में हो, लेकिन बीजेपी ही नहीं चाहती। इस पर इस्पात मंत्री ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक मुद्दे पर अपनी अपनी सबकी राय हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए में कोई टूट है, एनडीए एकजुट है। क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, जरा सुन लीजिए। ऐसा है ना, देखो इस पर तो बहुत ही स्पष्टता के साथ बात आ गई, रोज रोज तो कहने क्या चीज़ है। अच्छा लगता है कि मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से खाना है एनडीए में सब कुछ, अरे नहीं देखो ये एक बार नहीं, मैंने कई बार मैंने आपको कहा है कि एनडीए में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। देखिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस पर अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो केंद्र में हम लोग साथ में हैं, राज्य में साथ में है और मैंने कहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में 2025 तक बिल्कुल मजबूती के साथ चलेगी, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने वोट दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने। बाकी ये मुद्दे चलते रहते हैं। बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि जदयू में 3 गुट हो चुके हैं। अच्छा ऐसा है ना, आप लोग ये जो चलाते रहते हो तो बीजेपी में और जेडीयू में क्या है, हमारे यहाँ तो एक नेता है। देखो गुट कब होता है, जहाँ कई नेता होते हैं। अरे पहले आप सुन तो लो यार, ज्यादा काबिल मत बनिए। हमारे एक नेता है नीतीश बाबू, तो गुट कहाँ से होगा जी, नेता एक होते हैं, नेता एक है तो गुट कहाँ है। जनता दल का नाम क्या है, जनता दल यूनाइटेड, कोई गुटबाजी। उपेंद्र कुशवाहा को सोने का मुकुट पहना गया, उसके बाद कहा जा रहा है सर, सुनो पहले मंत्री पद पे आप सोने का।